गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने पर यात्रा का असर और रुझान दिखाई देने लगा है। गुजरात में विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पहले गुलाम नबी आजाद, अब गुजरात में कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी है। यात्रा की शुरुआत जब से हुई है तब से कांग्रेस बिखरती जा रही है। मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के समय ही इन्हें त्योहार याद आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े नजर आए थे। कोई एजेंडा नहीं है, वैसे संज्ञान में आया और इसलिए वो प्रशासन अपने स्तर पर उसने हल भी हो गया, बातचीत हो गई। ये देखिए, ये चुनावी हिंदू हैं और चुनाव पर ही इनको त्योहार याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनकी सरकार ने कि राम काल्पनिक थे। ये ऐसे हिंदू हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से जाके मिलते हैं। ये ऐसे हिंदू हैं जो हिंदुत्व को भी तोड़ने, हिंदुत्व शब्द को ही परिभाषित करते हैं, हिंदुत्व को ही तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी जैसे लोग करते हैं। और इसलिए अब देश का बहुसंख्यक हिंदू समझ गया है कांग्रेस को और उनके नेताओं को। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह राज्य और बता देते कि किन राज्यों में आरक्षण खत्म किया गया है। दिग्विजय सिंह अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो अपनाते हैं। वह देश को और जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसे ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी, मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटें। मिश्रा ने कहा, विदिशा के सीएम राय स्कूल में मजार मामले पर किसी तरीके का एजेंडा नहीं है, प्रशासन ने मामले को हल कर दिया है। उन्होंने तीर्थ दर्शन पर कहा, इस यात्रा को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, पहले से योजना चल रही है। कमलनाथ ने तो तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर कहा, भागवत जी का बयान देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस का ध्यान वोटों तक रहता है, भागवत जी का ध्यान पूरे देश पर रहता है। देखो साहब, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है, और श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये दो बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उदित राज के बयान पर कहा, अधीर रंजन चौधरी हो या उदित राज, कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करने की सुपारी ले रखी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने कई नेताओं को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी मांडू में अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। यह नए सदस्यों और पुराने सदस्यों की बात नहीं है, भाजपा में यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह एक परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी ही एक परिवार है। देखिए, चाहे अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी में भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले, क्या मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।